साड़ी पहन के भी अच्छी लगती है, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती है, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती है, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती है, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती है, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती है, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो योग गुरु बाबा रामदेव ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया है। जब महिलाओं की साड़ियों के साथ कुर्ते के ऊपर सलवार भी अच्छी लगती है, बाबा रामदेव ने कहा कि वे कुछ भी न पहने तो भी अच्छे लगते हैं। इस बयान के बाद बाबा रामदेव की हर तरफ आलोचना हो रही है। बाबा रामदेव के बयान से राकंपा नेता रूपाली पाटिल थुमरे नाराज हैं। बाबा रामदेव के बयान की निंदा करता हूं। बाबा रामदेव को अब सिर नीचे और पैर ऊपर करके आसन करना चाहिए। इसे आधे घंटे या चार घंटे तक करें ताकि आपके दिमाग की रक्त की आपूर्ति हो सके, तब आप ऐसी बेतुकी बयानबाजी नहीं करेंगे जिससे महिलाओं का अपमान हो। रूपाली पाटिल ने यह भी चेतावनी दी कि पुणे आने पर बाबा रामदेव को सजा दी जाएगी। बाबा रामदेव ने यह बयान अमृता फडणवीस के सामने दिया है। हालांकि अमृता फडणवीस इसे समझाते हुए सहज जवाब देती हैं और कहती हैं, मैंने बयान नहीं सुना। रूपाली पाटिल ने कहा वह मीडिया से रूबरू हो रही थी। योग गुरु रामदेव बाबा ने ठाणे के हाईलैंड मैदान में योग की शिक्षा दी, तब सांसद श्रीकांत शिंदे, अमृता फडणवीस, विधायक रवि राणा मौजूद थे। बाबा रामदेव ने महिलाओं को संबोधित करते हुए आपत्तिजनक बयान दिया। जब महिलाएं साड़ी सलवार कुर्ते पर अच्छी लगती हैं, यहाँ तक कि अगर आप कुछ भी नहीं पहनते हैं तो आप अच्छे दिखते हैं। क्योंकि ये बहुत हिसाब किताब सिखाती है, खुश रहती है, जब देखो बच्चे की तरह मुस्कुराती रहती है, तो जैसी मुस्कान अमृता जी के चेहरे पर है ऐसी मुस्कुरान आपके सबके चेहरे पर मैं देखना चाहता हूँ। आप हैं बहुत खुश। ये तीन का कार्यक्रम से हो गया, उसके बाद अब दो का कार्यक्रम से हो गया, अब घर जाके पहले आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती है, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती है, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो तो लोग लज्जा के पहन लेते। बच्चों को कौन कपड़े पहनाता था पहले, हम तो 8-10 साल तक तो ऐसे नंगे घूमते रहते थे। ये तो आप जा करके 5-5 लेयर कपड़ों की बच्चों पर आ रही है। खैर, बात ये है कि आप पहले जो सेवा कर रही हो ना, ये एक आज का मैंने विषय चुना है। मेरे साथ बोलो, योग शक्ति से, बोलो योग शक्ति से भारत को विश्व की महाशक्ति बनाने का आंदोलन अनुष्ठान अभियान महायज्ञ। और इस योग शक्ति से भारत को विश्व की महाशक्ति बनाने के अनुष्ठान में, आंदोलन को हो, अभियान को हो, महायज्ञ को हो, राष्ट्र यज्ञ को हो, और इस भारत माता को परम वैभवशाली बनाने में मातृशक्ति का ही सबसे बड़ा योगदान था। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सॅन सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 67 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।